हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर पोल्ट्री चैनल पे। दोस्तों ये मैंने एक फार्म पे विज़िट करने आया हूँ। ये हमारे नज़दीकी फार्म में भाई हैं, हमारे चाचा लगते हैं रिश्ते में। ये शालीमार कंपनी से इंट्रीगेशन पे फार्म चला रहे हैं। इनके फार्म पे बच्चे आज जो हैं 9-10 दिन के हो गए हैं। तो मैं आज आपको दिखाने आया हूँ कि कंपनी से काम करने पे किस तरह से हमें कंपनी के साथ में काम करना होता है और कंपनी से हमें किस तरह का फ़ायदा होता है काम करने पे या क्या नुकसान हमें होता है। ये देखो शालीमार का ये फीड है, ये शालीमार का फीड है। ये यहाँ पे इनका सिस्टम सब कुछ लगा पड़ा है। ये इनका 5000 बच्चों का फार्म है। अभी बच्चे इनके कम से कम 9 दिन के हो गए हैं फार्म के अंदर। मैं आपको भी बच्चे दिखाता हूँ। पहले तो इनके पीछे ब्रूडिंग हॉलर ने अपना बना रखा है जहाँ पे इनके सारे बच्चे पल रहे हैं। अंदर भट्टी वगैरह जल रही है तो इसलिए थोड़ा धुआं हुआ ये सब दिख रहा है। और पूरा फार्म इन्होंने पैक कर रखा है अपना। इन्होंने ये विंचिंग सिस्टम लगा रखा है पर्दों के लिए। ये अच्छा मैनेजमेंट है विंचिंग सिस्टम वाला, इससे दिक्कत नहीं आती है। एक आदमी आराम से इसको मैनेज कर सकता है। और इन्होंने ये अपना ब्रूडिंग एरिया बना रखा है, पूरा पैक कर रखा है पर्दे वर्दे लगा कर। ये ब्रूडिंग एरिया इनका इनका फ्रंट है। यहाँ से अंदर में एंट्री देते हैं। इन्होंने पढ़ते के बाद एक पन्नी और लगा रखी है, अलग से डबल प्रोटेक्शन कर रखी है। एक ये पन्नी है, वो ये पल्लड़ है, इसके पीछे एक पीला पल्लड़ और है। इन्होंने 3 लेयर बना रखी है ताकि बाहर से ठंडी हवा अंदर ना आए बिल्कुल भी। यहाँ से एक पल्लड़ लग रखा है। तो चाचा बताइए, आप जो ये पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं, इसे काम को करते हो कितना टाइम हो गया आपको? वो तीसरा लॉट है, लगभग 3 महीना है ये। अभी कौन सी किसी कंपनी से कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो? कंपनी से। कौन सी कंपनी से? शालीमार से। आपको अभी तक 3 आपको लॉट निकल चुके हैं ना? तीसरा है ये, 2 लॉट निकल चुके। अच्छा, दोनों लॉट कैसे निकले कंपनी के साथ में? कंपनी के साथ में लॉट तो बढ़िया निकले दोनों। दूसरे लॉट में थोड़ा FCR गिर गो। अच्छा, और की वजह से थोड़ा चेक कम बनो, नहीं बढ़िया आया, चल रहा है। अच्छा, तो मतलब कंपनी का जो व्यवहार है फार्मर से वो अच्छा रहता है? हाँ, अच्छा रहता है। अच्छा, तो ये कंपनी जो अभी आप जिससे काम कर रहे हो, उससे पहले आप प्राइवेट कर रहे थे या फिर सीधा कंपनी शुरू करा है? नहीं, प्राइवेट कर रहे थे, अपना खुद का लॉट डाला। तो आपने ये एक्सपीरियंस लिया है, कंपनी का भी लेके देख लिया, प्राइवेट लेके लिया, तो आपको दोनों में से कौन बेटर लगा, कंपनी का लगा ये प्राइवेट का अच्छा लगा जैसे हम खुद करते हैं? ना, प्राइवेट को हमें यूं अच्छा ना लगो कि प्राइवेट में एक लॉट में बस जाए, इतनी मंडी हाई है, दानो हाई है, तो जा वजह से हमें तो कंपनी में बारो जुगाड़ बढ़िया लगो। तो अभी कंटिन्यू मतलब शालीमार साहब का अपना रखना चाहोगे? हाँ, अभी आपके हिसाब से शालीमार आपको सब कुछ अच्छा देगी? जब तक चिक्स ये बढ़िया देगी, हाँ, रिजल्ट बढ़िया आएंगे तो शालीमार तक चलाएंगे। अभी कितने चिक्स प्लेसमेंट करी शालीमार नाम के फार्म पे? 4815 चिक्स। 4815 करी है। चलो, अभी आप कितने दिन के बच्चे हो गए अभी आपके? ये 9वां दिन है आज। आज 9वां दिन है। ये मैं आपको इनके बच्चे दिखाता हूँ। आज इनके 9वां दिन है। पूरे पर्दे वर्षे एकदम पूरे पैक कर रखा है इन्होंने। ये अंदर भट्टी वट्टी चल रही है अभी इस टाइम, दिन में भी टेम्परेचर डाउन है तो। और अंदर थोड़ा धुआं हुआ ना बने उसके लिए उन्होंने यहाँ पे ये फैन वैन लगा रखा है अंदर धुआं हुआ निकालने के लिए। ये एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है, ये भी चल रहा है कंटिन्यू ताकि धुआं निकल सके बाहर। ये इन्होंने खुद अपना मैनेजमेंट सारा अच्छा कर रखा है। इन्होंने पूरा फार्म को पैक कर रखा है पर्दों से चादर, ताकि अंदर मैनेजमेंट बना रहे, बच्चों को ठंड वंड में ना आए। ये बच्चे कितने आराम से खुल के बैठे हैं सारे के सारे बच्चे। ये एकदम बढ़िया बच्चे खुल के बैठे हैं। थोड़ा बहुत धुआं हो गया है, थोड़े गीले गट्टे की वजह से धुआं से अंदर हो गया है, बाकी बच्चे एकदम खुल के बैठे हैं सारे सारे। अंदर टेम्परेचर काफ़ी अच्छा मेंटेन हो रहा है। ये भी एक नए फार्मर हैं। ये फार्म पे विजिट करने के लिए आए हैं, देखने के लिए, काम सीखने के लिए आए हैं कि मतलब किस तरह से काम होता है, कंपनी कैसे काम करती है, क्या देती है क्या नहीं देती है। तो इस हिसाब से ये भी काम करने के लिए यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। तो आप थोड़ा बताएंगे शालीमार ये क्या रेट देती है आपको? शालीमार देती है 6.80 रुपये। 6.80 रुपये पर किलो के हिसाब से? हाँ, पर किलो के हिसाब से। चलो, और जैसे मान लो अगर आपके एफसीआर ज्यादा भाग जाता है तो उसपे थोड़ी बहुत काट वाट करती है, कुछ छूट वूट करती है, फिर पूरा पैसा काट लेती है वो? अपना छूट करती है, उसमें थोड़ा सा एफसीआर गिर गया था मेरा, तो छूट की थी उसने। अच्छा, और बच्चे बच्चे मरने के कोई पैसा नहीं काटती है? चलो, ये चीज अच्छा है कि कंपनी मरने के बच्चे कोई पैसा नहीं काट रही है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, इस टाइम पे मोरलिटी वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस टाइम पे अगर इसका ही पैसा कटेगा तो फार्मर को बचेगा क्या? तो ये चीज कंपनी ने बहुत अच्छी कर रखी है। ये वैसे हर कंपनी को करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से बच्चे खराब आते हैं तो वो पूरा पूरा फार्मर के ऊपर आ जाता है। तो वो चीज का थोड़ा कंपनी को भी सोचना चाहिए। बाकी मुझे ये पंखे वाला जुगाड़ सही लगा, एग्जॉस्ट फैन वाला। ये अंदर का सारा धुआं देखो, ऊपर की लाइन में इसने कर दिया, पूरा धुआं ऊपर खींच दिया इसने, नीचे धुआं बच्चों में गायब कर दिया, सब ऊपर कर दिया। ये सब धुआं देखो बाहर खींच रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो सारा धुआं इसने
बाहर कर दिया, एकदम ऊपर कर दिया। ये चीज़ बहुत अच्छी लगा रखी उन्होंने, इससे फार्म में जो बच्चों में पानी वानी बन जाता है, दिक्कत आती है, वो दिक्कत जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और ये इनके वर्कर हैं, ये अंदर लकड़ी वगैरह लेकर जा रहे हैं ये इसको अंदर भट्टी में डालने के लिए। तो ये सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है ताकि पानी वानी ना हो। ये नीचे इन्होंने चूना वूना डाल के अपना पूरा ढंग से एकदम कर रखा है, प्रिकॉशन इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है चूना डालकर। ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है फार्म में, क्योंकि कई लोग होते हैं चूना डालते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो चूना बहुत कम ना के अगर डाल रखे हैं। देखो पूरा फार्म चूने से एकदम अपना कर रखा है, और ये बहुत ज़रूरी है, चूना फार्म में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो बैक्टीरिया होता है, हम स्प्रे वगैरह करते हैं वो अपनी जगह पर है, पर जो बैक्टीरिया होता है कुछ रह जाता है, वो चूना जो होता है उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, तो ये बहुत होना ज़रूरी है। तो ये वीडियो आज सिर्फ इतनी है, ये दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि इंट्रीगेशन पे, यहाँ पे शालीमार इंट्रीगेशन पे क्या दे रही है क्या नहीं दे रही। मैंने एक फार्मर का रिव्यू आपको दिखाया है, एक जेन्युइन रिव्यू दिखाया है, ताकि आप लोगों को पता चले कि इंट्रीगेशन पे भी फार्म का काम होता है, लोग इंट्रीगेशन पे भी काम करते हैं और उस पर भी पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट डालो तभी पैसा कमाया जाएगा, आप इंट्रीगेशन पे भी किसी कंपनी के साथ में जुड़े काम कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में यहाँ पे कई सारी कंपनियाँ इंट्रीगेशन पे काम कर रही हैं, अगर आपको कोई और कंपनी से इंट्रीगेशन पे काम करना हो तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क करने की कर सकते हैं।